तो जैसा कि यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स जो है वेट कर रहे हैं जरूर से होंगे कि यहाँ पे जो फाइनल कट ऑफ का जो लिस्ट है वो कब तक आएगा। मतलब अभी तो आपको पता है कि उसका कोई शेड्यूल नहीं दिया गया, लेकिन भाई एक्सपेक्टेड कितना फाइनल कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले मैंने कट ऑफ पे एक वीडियो डाली हुई थी, उसमें लगभग मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ था लगभग कितना जो है यहाँ पे कट ऑफ बन सकता है, लेकिन जो अभी फाइनल कट ऑफ जा सकती है वो लगभग कितनी जा सकती है वो भी इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपने SSC स्टेनो का एग्जाम दिया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। देखिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि जो है फ्यूचर में हम जो भी वीडियोस अपलोड करें स्टेनो से लेकर या फिर CGL CHSL कोई भी करें आपको मिलती रहे, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमेशा जो है वीडियोस हमारी मिलती रहे यहाँ पे जितने भी हम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम को भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कई सारे कैंडिडेट ने जो है स्टेनो का एग्जाम का जो है एग्जाम दिया हुआ था, फॉर्म फिल करके भाई सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे ऐसे में वो सभी कट ऑफ का जरूर से वेट कर रहे होंगे और जो एक्सपेक्टेड जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, ठीक है। देखिए जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको मैं जो भी एक्सपेक्टेड जा सकती है उसके बेसिस पे, मतलब इतना लगभग हो सकता है कि इतना आपका चला जाए, क्योंकि आपको पता है लगभग हर ईयर एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जाता है SSC की तरफ से, और हर ईयर जो फाइनल कट ऑफ है वो जितनी जाती है वो लगभग उतने की सिमिलर में आपको नेक्स्ट ईयर का भी जो है यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलता है। तो चलिए फिलहाल हम बात कर लेते हैं वन बाई वन करके किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जा सकती है। देखो सबसे पहले तो मैं बात करूं जो यहाँ पे जो स्टेनो में जो यहाँ पे 2020 में जो कट ऑफ लगभग गई थी, ठीक है, सी कैटेगरी के कैंडिडेट मतलब सी ग्रेड जो कैंडिडेट है और डी यहाँ पे ग्रेड के जो कैंडिडेट है सभी कैटेगरी के लिए मैंने यहाँ पे होम स्क्रीन में दिया हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी जो यहाँ पे ग्रेड सी कैंडिडेट मतलब कैंडिडेट थे उनके लिए यहाँ पे लगभग 136 से 141 गई हुई थी, ये लगभग 22 का है, ये लगभग 2020 का, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे 2020 का मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ठीक है, 2020, 21 एंड 22 लगभग सिमिलर ही होगा भाई, इसके इर्द गिर्द ही रहने वाला है, ठीक है। मतलब टचअप होगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होगा जरूर, लेकिन इसी के आसपास होने वाला है, ठीक है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के जो यहाँ पे कैंडिडेट थे उनका 136 से 141 तक लगभग सी ग्रेड में गया था और डी ग्रेड में 134 से 140 तक गया था, ठीक है। और OBC कैंडिडेट के लिए 134 से 137 तक और 133 से 136 तक डी ग्रेड में गया था, ठीक है। तो मे बी जो है ये 2020 का आप रिजल्ट देख रहे हैं भाई, इतना लगभग चला गया था, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं SC कैंडिडेट के लिए 119 से 124 तक और इधर जो डी ग्रेड में जो है 116 से 128 तक गया था, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट ईयर मतलब कि 21 में जो हुआ था एग्जाम, ठीक है, तो 21 का लगभग कितना गया था, तो अभी आप देख सकते हैं सी और डी दोनों के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं कितना गया था भाई, यहाँ पे 146 गया हुआ है, ठीक है, अधिकतम सी ग्रेड में 146 गया। अगर मैं पीछे की साइड चलता हूँ तो भाई 141 गया था, मैंने आपको बताया ना, चाहे आप किसी भी ईयर में जाए हर ईयर में कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है भाई, यहाँ पे अधिकतम 141 गया था जनरल कैटेगरी में सी ग्रेड में और यहां पे आप देख सकते हैं 146 गया हुआ है, ठीक है। तो भाई आप कंपेयर कर सकते हैं ना कि 2020 में कितना गया, 21 में कितना गया, 22 में कितना जाएगा, तो भाई 146 जिसे गया है तो 146 150 के आसपास हो सकता है, इसी के आसपास में बना रहे, ठीक है। और ग्रेड डी में आप देख सकते हैं 131 गया जनरल में, ठीक है, आप पीछे की साइड में देखें तो यहाँ पे 140 तक गया था अधिकतम, ठीक है, और यहाँ पे कितना गया, 131 तक गया है। मतलब ये एक मतलब कम ज़्यादा शेड्यूलमेंट जो यहाँ पे होता रहता है, बस बाकी लगभग टचअप उतने में रहता है, ठीक है। OBC कैटेगरी के कैंडिडेट आप देख सकते हैं 142.36 था और जो है ग्रेड डी में 126.72 गया था। यहाँ पे जो SC के कैटेगरी के कैंडिडेट हैं यहाँ पे 132.92 और 103.89, ठीक है। अब फाइनल कट ऑफ जो जा सकती है ना स्टेनो की, वो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो जो 146 है वो लगभग 150 के आसपास या 148 के आसपास होने वाली है, डी कैटेगरी में आपका 132 या 133 के आसपास होने वाली है, ठीक है। और OBC में जो यहाँ पे 142 के बजाय 100 हो सकता है 145 तक चली जाए, ठीक है। अभी आपको पता है ऑफिशियली नहीं आया हुआ है, लेकिन भाई कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो ईयर का मेरिट लिस्ट है, अब उसी के बेसिस पे एक एनालिसिस जरूर से मिल रहा है कि भाई हाँ भाई कितना जा सकता है, इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ भाई इतना लगभग जा सकता है, ठीक है। अब OBC में आप देख सकते हैं ग्रेड डी है जो 126 गया है वो हो सकता है कि 126 के आसपास या फिर 130 के आसपास चला जाए, 128-30 के आसपास जाएगा। और SC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 132.92 तो 134-135 तक मान सकते हैं, और 103 आप समझ सकते हैं ग्रेड डी में तो 104-105-6 तक अधिकतम जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे 170 जो ST कैंडिडेट के लिए गया हुआ है, यहाँ पे 170 तो अधिकतम 120 हो सकता है या फिर 118 हो सकता है, ठीक है। और 84
है, तो यहाँ पर ग्रेड में देख सकते हैं 84 गए, तो 84 का मतलब यहाँ पर 90 तक आप समझ सकते हैं ज़्यादा, ठीक है। और ये मतलब आप देख सकते हैं EWS के लिए भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे 138 है, तो मतलब आप समझ सकते हैं सी कैटेगरी में आपका 140 तक अधिकतम जा सकता है, ठीक है, या हो सकता है इससे ज़्यादा भी जा सकता है भाई ये कोई, क्योंकि आपको होता है फिक्स नहीं है और कन्फर्म भी नहीं है, एक एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है, ये चीज़ें। और भाई यहाँ पर आप देख सकते 83 गया, तो 83 के हो सकता है 85 तक चल जाए, तो यहाँ पर ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये सी और डी दोनों कैटेगरी के लिए, हर एक ग्रेड के लिए, ठीक है। तो होपली आपको इस वीडियो के थ्रू यहाँ पे कुछ मैंने फाइनल लिस्ट के बारे में जो एनालिसिस किया वो आपको पसंद आ गया होगा। बाकी दोनों कैटेगरी आप देख सकते हैं, दोनों में यहाँ पे अलग अलग जो है चेंजेस जरूर हैं, लेकिन भाई लगभग सिमिलर आपको मिल जाता है, पॉइंट का फर्क जो है थोड़ा सा मिल जाता है, ठीक है। बाकी लगभग इस बार भी हो सकता है कि इसी के आसपास हो जाए, देखने को आपको मिल जाए। सो होपली आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर से मिल गई होगी स्टेनो को लेकर। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।